5000 सीसी का इंजन, टीटीओ गियर है 540 750 न्यूटन फीचर है। अच्छा तो जी, आप ये 4x4 का ये मॉडल देख रहे हैं, इसमें चारों टायरों में डिफरेंशियल लॉक, चारों टायरों में पावर ब्रेक है। और आराम सारे किसान भाइयों, तो आज अपन ड्यूज फायर 50 है, इसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी बताएंगे। तो सर अपने साथ है, ये सारी जानकारी बताएंगे। तो पहले सर नमस्कार। नमस्कार जी, मैं नरेंद्र कुमार जांगे, हाँ जी, सीनियर सर्विस मैनेजर ड्यूज फायर से पंजाब हरियाणा राजस्थान में देखता हूँ। हाँ जी सर्विस। तो सर इस ड्यूज फायर के बारे में आप कंप्लीट जानकारी बताइए। हाँ जी, ये कंपनी सामे ड्यूज फायर पूरे ग्रुप का नाम है। हाँ जी, और ये इटालियन कंपनी है, पर जो ड्यूज फायर प्रोडक्ट जो आप देख रहे हो, हाँ जी, ये जर्मन ब्रांड है। अच्छा जी, तो इंडिया में इसका रानीपेट तमिलनाडु में प्लांट है। अच्छा, यहाँ पे हम 35 HP से लेके और 75 HP तक के ट्रैक्टर बनाते हैं। हाँ जी, और यहाँ पे हम हमारे चार ब्रांड है, सामे जो पहले आता था वो भी बनता है, ड्यूज फायर, लिम्बोर्गनी और हुरलीमान। 75 HP तक के ये ट्रैक्टर इंडिया में बन रहे हैं, एक्सपोर्ट हो रहे हैं, और इंडिया में हम सिर्फ ड्यूज फायर बेच रहे हैं। तो ड्यूज फायर का जो आप ये मॉडल देख रहे हैं, इसका नाम है एग्रोलेक्स 50 टर्बो प्रो। अच्छा जी, तो जो ये ट्रैक्टर है, ये यूनिक ट्रैक्टर है, जो आपको 50 HP से 65 HP तक के जो ट्रैक्टर काम करते हैं उसकी सारी रिक्वायरमेंट ये ट्रैक्टर पूरी करता है। ठीक है जी, जो इम्प्लीमेंट अदर ब्रांड के 50 HP से लेके और 65 HP तक के इम्प्लीमेंट जो चलाते हैं, ये जो मॉडल है ये वो सारे इम्प्लीमेंट चला सकता है, एफिशिएंट है और डीजल की बचत का। अच्छा जी, ट्रैक्टर के बारे में, इंजन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। ये 3000 CC का इंजन, 3000 CC का, इसके 3000 CC का इंजन इंटरकूलर टर्बो चार्जर के साथ है। ठीक है जी, इसमें आप देख रहे हैं एक इंडिपेंडेंट फ्यूल पंप है लगे हुए, तीनों सिलेंडर के अलग अलग पंप हैं। अच्छा जी, इससे इसकी रिपेयर मेंटेनेंस और खर्चा और एक्यूरेसी बहुत बढ़िया रहती है। ठीक है जी, ये जो आप देख रहे हैं ये इसका गवर्नर है। अच्छा, जो इन तीनों पंपों को कंट्रोल करता है और ये बिल्कुल मेंटेनेंस फ्री है। ठीक है जी, इसके अलावा आप देखेंगे इसमें 75 AH की बैटरी का इस्तेमाल किया गया है, एक सिंगल बोनट है जो एक पुश बटन के साथ पूरा ओपन हो जाता है, जिसमें आपको इसकी दैनिक देखभाल करना और रिपेयर करना बहुत ही ईजी है। ठीक है जी, इसके अलावा इसका एक यूनिक फीचर है। अच्छा, तो जी आप ये 4x4 का ये मॉडल देख रहे हैं, इसमें चारों टायरों में डिफरेंशियल लॉक, चारों टायरों में पावर ब्रेक है। अच्छा, चारों टायरों में जी। हाँ, हिंदुस्तान में किसी भी ट्रैक्टर में चारों टायरों में डिफरेंशियल लॉक और चारों टायरों में ब्रेक उपलब्ध नहीं है। ठीक है जी, ये ओनली हिंदुस्तान में ड्यूज फायर ही ये टेक्नोलॉजी किसान भाइयों के लिए उपलब्ध करा रहा है। इसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे सस्पेंडेड पैडल यूज किए गए हैं, ब्रेक के और क्लच के, जिससे आपको थकान कम होगी, ड्राइवर को थकान कम होगी, वो लंबे समय तक ट्रैक्टर को काम कर सकता है। इसके अलावा आप ये देखिए, इसमें 15 फॉरवर्ड की स्पीड और 15 रिवर्स स्पीड, ठीक है, 15 आगे की स्पीड और 15 रिवर्स स्पीड है, और इसके साथ साथ इसकी मिनिमम क्रीपर स्पीड 290 मीटर प्रति घंटा और मैक्सिमम स्पीड रेटेड RPM पे 40 किलोमीटर, जो हिंदुस्तान में सबसे अदर ब्रांडों से भी ज्यादा है, ठीक है, और कम से कम भी है। इसकी लिफ्ट कैपेसिटी 2250 है, जो अदर कंपनियों से ज्यादा है। ठीक है, ठीक है जी, डबल PTO स्पीड है 540 और 750। ठीक है जी, इसमें 65 लीटर का फ्यूल टैंक है, और इसकी क्या है कि ये फ्यूल भी ऊपर से लेता है, जिससे क्या है कि पंपों तक मिट्टी कचरा पानी जाने की संभावना। इसके PTO पावर जी आपको मिलेगा 47 इंजन पावर 50 ये बड़े भी है, मरला 75। हाँ जी, 75। इसके अलावा आपके कोई सवाल हो? नहीं, तो इसके मतलब आप गियर की स्पीड और वो सारा ऊपर का 15 स्पीड, ये मेन गियर है जिसमें 5 है। हाँ जी, ये आगे और पीछे शटल गियर बोलते हैं इसको, लीवर। ठीक है जी, वो 3 स्पीड, लो, हाई और क्रीपर स्पीड है, यानी लो से कम। ये पार्किंग ब्रेक है, इंडिपेंडेंट पार्किंग ब्रेक, जो किसी भी इंडिया में कोई भी ब्रांड नहीं देता है। ठीक है जी, ये PTO का क्लच है। हाँ जी जी, आप पीछे आइए, ये आप लीवर है, ये दोनों दो टायरों में ब्रेक और 4 टायरों में करने का लीवर है, ये हाथ की रेस है। ठीक है जी, ये आपको PTO गियर है 540-750 न्यूट्रल। अच्छा जी, ये 4 व्हील ड्राइव एंगेज करने का, डिसएंगेज करने का लीवर है, ये लीवर
आपका टू वे वाल्व को चलाने का ऑपरेशन का लीवर है, वो लिफ्ट के लीवर है। ठीक है जी, ठीक है। तो आप देख सकते हो, और अभी मैं थोड़ा सा इसका फ्रंट जो रिव्यू वो मैं दिखा देता हूँ आपको। थोड़ा सा यहाँ पे बारिश की वजह से सीट पे पानी वगैरह है, तो ये देख सकते हो। ये देखिए, इसके अंदर डिजिटल मीटर इसके अंदर यूज़ किया गया, जो कि सारी चीज़ है वो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। और ये देखिए, इस तरह से इसका फ्रंट है, और सर ने जो इसके बारे में जानकारी दी है सारी वो आप देख सकते हो। और ये देखिए भाई, और इसके टायर की अगर बात करें तो पीछे का टायर इसका भाई 16/9/28 की है, और आगे का जो टायर है वो देख सकते हो आप 12/4/12 के टायर हैं आगे के। तो भाई आपको इस ट्रैक्टर के बारे में जानकारी है वो कैसी लगी, कमेंट्स के माध्यम में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक सभी भाइयों को राम राम।